गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज़, आज मैं जाने वाली हूँ ट्रेड फेयर, इसलिए मैं आज यहाँ पर जल्दी जल्दी से काम निपटा रही हूँ। और ऑलरेडी वैसे ना लेट ही हो गई थी, सोचा था जल्दी उठूँगी बट नहीं उठ पाई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी की और उसके बाद मैंने अपना लंच डिनर यहाँ पर सारा प्रिपेयर करके रख दिया था, क्योंकि जब आप ट्रेड फेयर जाते हो ना, वहाँ इतना चलना पड़ता है कि इतने थक जाते हैं कि आप सोचो कि आप आके कुछ कर पाओ तो वो पॉसिबल नहीं होता। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज दाल का चीला, और ये बिल्ली यहाँ पर सुबह सुबह मस्ती करने आ गई है। तो बस यहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो गई थी और बस अब ब्रेकफास्ट ही करना था। और ये जो दाल चीला है ना, मैं इसको दो टाइप से बनाती हूँ, एक तो ये डोसा स्टाइल बनता है और एक ये स्टफ्ड दाल चीला बनता है। ये मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत हेल्दी है, तो मैं ज़्यादातर इसी को ही अपने लिए बनाती हूँ। और बस ये सब करने के बाद अब मैं निकल गई हूँ ट्रेड फेयर के। जब ट्रेड फेयर पहुँचे तो यहाँ पार्किंग में ना बहुत लाइन लगी हुई थी, बट हमें फिर बाद में स्पेस मिल ही गया था और फिर वहाँ से हम ऑटो में यहाँ तक पहुँच गए। और लाइनें तो बहुत लगी थी बट इजी गोइंग था सब कुछ। तो जैसे ही आप एंटर करते हो ट्रेड फेयर के लिए गेट में, तो वहीं पर आप एक बोर्ड लगा होता है जिसपे सब कुछ मेंशन होता है, हर स्टेट की हर आइटम आपको कहाँ से मिल सकती है, किस हॉल से। तो बस आप उसको देख के आराम से अंदर एंटर कर सकते हो। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो हॉल था, यहाँ पर मैंने जाना नहीं था बट मैंने सोचा चलो अब आए हैं तो थोड़ा घूम ही लें। यहाँ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें और डिफरेंट स्टाइल के जो जो स्टेट है वहाँ के जो क्लोथिंग होती है वो, और ये बास्केट्स, मतलब बहुत अच्छा अच्छा सामान था जिसने जो लेना है वो इजीली ले सकता है। और ये कुछ पंजाबी जुत्ती और ये कुछ यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के सामान, बहुत ही अच्छे अच्छे सब डिफरेंट स्टाइल के सामान यहाँ पर लगे थे हर स्टेट के। तो मैंने तो ये सब कुछ भी नहीं लेना था और यहाँ तो सिर्फ मैं बस एक ग्लिम्स के लिए आई थी कि चलो पता चल जाता है हर स्टेट का क्या क्या डिफरेंट जो भी सामान है आप यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल के कुशन कवर यहाँ पे मिल रहे थे ये बहुत ही ब्यूटीफुल थे, थोड़े डिफरेंट थे इसलिए मैंने दो कुशन कवर यहाँ से ले लिए। बाकी फिर हम यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहे और देखते रहे, कुछ ऐसा खास मैंने यहाँ से लिया नहीं। यहाँ कुछ स्कूल और कॉलेजेस से भी बच्चे आए हुए थे, ये सब यहाँ ढोल पे डांस कर रहे थे। और बस अब हमें लग गई भूख और अब हम पहुँच गए अपना खाना खाने। और ये यहाँ पर ना अरेंजमेंट्स था, पूरे मैट बिछाए हुए थे कि जो लोग अपना खाना साथ में लेकर आए हैं वो यहाँ पर आराम से खा सकते थे, अपना रेस्ट कर सकते थे। तो ये स्टेट फूड कोर्ट था जहाँ पर हम किसी भी स्टेट का कुछ भी जो स्पेशलिटी होती है ना, वो सभी फूड यहाँ पे अवेलेबल था, आप कुछ भी खा सकते थे। और दिल्ली के तो हर यहाँ पर फेमस जो बड़े बड़े ब्रांड थे ना, वो सभी यहाँ पर काउंटर लगाए हुए थे उन्होंने। और यहाँ पर हमने खाया काठी रोल और छोले भटूरे, तो ये सब बहुत टेस्टी था। और ना यहाँ पर ये लिट्टी चोखा वाला कुछ स्पेशल एक काउंटर लगा हुआ था, लोग बहुत मतलब मज़े से खा रहे थे। तो मुझे भी थोड़ा सा हो गया कि इसको ट्राई करते हैं। तो ये घी में पूरे भून के ऐसे इसको डाल के आलू की सब्जी और मूंगफली की चटनी के साथ दे रहे थे, बट मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो मैंने अपने भटूरे और जो काठी रोल खाया था ना, उसका भी टेस्ट बेकार हो गया। बस यहाँ से फ्री होने के बाद हम पहुँच गए ये 3 नंबर हॉल में। और जो 3, 4 और 5, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने भी हॉल थे ना, ये अंदर से इंटरकनेक्टेड थे। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो सब चीज़ें मिली थी, ये स्वदेशी कुछ ऐसे गांधी जी का जो था, ये बता रहे थे कि कैसे जो कपड़ा बनता है, ये बच्चे थे यहाँ पर तो उनको दिखा रहे थे। थोड़ा बहुत यहाँ पर घूमे क्योंकि कुछ स्पेशली तो मुझे यहाँ पर कुछ दिखा नहीं, बट बस हमने बस थोड़ा सा
एक लुक ले ली थी कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर कपड़े बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी कपड़ों की, और ये शॉल्स, मतलब मैंने तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, बट फालतू में इतना सामान इकट्ठा करने का फ़ायदा नहीं था। बस ये होता है कि ये घूमना हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है। ये ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लगे हुए थे। ये जो इल्यूमिनेटिंग लाइट्स आप देख रहे हो, ये यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हर साल यहाँ पर इतना क्राउड रहता है, और ये देखने में ना इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि आपका मन करता है ये ले ही लो। और मैं सोच रही थी इस बार कि मैं ये लेके आऊँगी, बट ये ना पूरे झूमर स्टाइल में, पूरे कॉम्पैक्टेड 5x5 में थे, तो ये लेना पॉसिबल नहीं था और मुझे चाहिए भी नहीं था। उसके बाद मैं ये 5 नंबर हॉल में पहुंच गई। यहाँ कर्नाटका का जो हॉल है, ये यहाँ पर ये बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग थी, हैंडमेड, और ये बहुत मेहनत करके ये लोग बनाते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव थी। इसकी जो ब्यूटी थी ना, मतलब आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और यहाँ पर कुछ ये वुडन के हैंडमेड टॉयज़ मिल रहे थे। और यहाँ से फ्री होने के बाद अब मैं लास्ट में, जो मेन मेरा 11 और 12 हॉल नंबर था, वहाँ पर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर जो डेली नीड्स की और किचन अप्लाइंसेस, जो भी हाउसवाइफ्स के लिए ज़रूरी होता है ना, सारी आइटम आपको यहीं पर मिलती हैं। और यहाँ पर डिनर वेयर सब बहुत अच्छा मिल जाता है, और आपको ना वो वेट में तोल के दे देते हैं। और यहाँ पर स्टील के स्टेनलेस जो चीज़ें थी ना, वो भी बहुत हैवी हैवी और अच्छी मिल रही थी। बस ये एक मसाजर था थोड़ा डिफरेंट टाइप का, जो मैंने ले लिया। और यहाँ से फिर हम निकल गए वापसी के लिए। फ्रेंड्स, रात के बजे हैं 10:30 और काम सारा निपट चुका है, और आज बहुत थकान हो गई थी क्योंकि ट्रेड फेयर में बहुत चलना पड़ता है। और मेन वहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही होता है कि आपको एक ही जगह पर डिफरेंट स्टेट्स की इतनी अच्छी अच्छी जो कलेक्शन मिलती है ना, वो माइंड ब्लोइंग थी। मतलब कई चीज़ें तो इतनी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने में भी थी, और मन तो करता है कि आप सारी चीज़ें ले लो, बट कुछ चीज़ें तो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि फिर बंदा सोचता ही है कि थोड़ा सा घर में स्पेस भी होना चाहिए, और सब कुछ देखकर ही बंदा लेता है। तो मतलब वैसे अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे कलेक्शन तो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, वास भी अलग अलग टाइप के, और कुछ कंट्रीज़ के अलग अलग वहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी होती है ना, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जाना चाहते हो तो बिल्कुल विज़िट करो, और बहुत अच्छा सामान मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम जाएंगे उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, बाकी अब जो दोबारा बार बार रिपीट कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ सिमिलर ही होगा। वहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बट एक बार विजिट कर लेते हैं 1 साल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, दैट्स इट। और आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय। और जो जो सामान मैंने खरीदा है, तो उसकी जो कलेक्शन है, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदा।